हाँ भी कहां तक बढ़ लिया था, हो गया था सेल बैटरी कंप्लीट। लास्ट टॉपिक रह गया था क्या, थेवलिन थ्योरियम है। टेस्ट में क्या है थारा थ्योरियम के, फिर भाई 30-35 में गाड़ी अड़गी है। हाँ कितना 25, आए को नहीं आए को नहीं। हाँ भी 20 आया, 23, 24, 23, 24, 25 होना है देख। हाँ भी इन्हें कितना नंबर आया टेस्ट में तेरा, 21। शर्म को नहीं आया था ना कि। हाँ भी आई को नहीं आया, 35। हाँ नंबर टेस्ट में आई को नहीं दुगे 30। तो कभी 30 के अलावा भी लाइन हुआ है, 40-40 भी लाइन हुआ है, कोई भी आना हुआ है। अपा कब आओगे हैं, कोई उम्मीद तो दो अगले टेस्ट में हैं, अगले बैच में नए बैच लगा सी विम पीसा और देसी दोबारा मन लगा दो। ठीक है चलो करते हैं। अभी टॉपिक क्या था लास्ट वो बता दो मेरे को, थेवलिन थ्योरी में था क्या, तथ्य तो लिखा दिया था अंतिम, मेरे ख्याल से थेवलिन थ्योरियम था आपका, और लिखवा दिया था कि एक सेल की आउटपुट का मान मैक्सिमम तब मिलता है, आउटपुट पावर का मान अधिकतम तब होता है जब आपका आर एल लोड रेजिस्टेंस बराबर हो किसके, आर एस यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस के। इस थेवलिन थ्योरियम या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरियम के बारे में पढ़ रहे थे भी। ठीक है तो इसका उदाहरण कर रहे थे मेरे ख्याल से, और थारो सरगियो बेटे ठीक है ना, तो अब उसको दोबारा कर लेते हैं कोई बात नहीं। तो उदाहरण के लिए आपको क्या दो चार आंकड़े चाहिए, कोई मर्जी आंकड़े ले आपकी मनपसंद के, घर जाके लेना। मैं एक कॉन्सेप्ट एक तरीका बता देता हूँ आपको ठीक है। तो हमारे पास कोई सेल या बैटरी है जिसकी वोल्टेज मान लो अपनी मर्जी से जो आपकी इच्छा करे, उस वोल्टेज को हम वी लिख लेते हैं, और वी मान लेते हैं 100 वोल्ट। कितने वोल्ट, आप घर जाके 20 मान के कर लेना, 50 मान के, जो आपकी इच्छा करे। एक बारी मैं बता देता हूँ कि थेवलिन थ्योरम काम कैसे करता है ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास एक सोर्स रेजिस्टेंस है, ये आपका बैटरी है, तो इसका एक आर एस भी होगा। इसका क्या होगा, एक आर एस भी होगा, कुछ भी आर एस हो सकता है। मान लेते हैं कि आर एस तो फिक्स रहता है, कितने ओम मान लो 25 ओम। घर जाके कुछ मर्जी मान लेना आप, जो आपकी इच्छा करे, जितनी छूट गिर चौफ दी थी उतनी ही छूट हाँ यहाँ मिलेगी आपको, लेकिन आंकड़े परफेक्ट या फॉर्मूले आपके सही होने चाहिए ठीक है। उसके बाद में हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, और हमें पता है लोड रेजिस्टेंस का मान कभी भी नियत नहीं रहता, ये तो घटता बढ़ता रहता है ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू मान लो, 0 से मान लो 100 ओम के बीच में, 0 होता नहीं है, 1 से 100 मान लो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना। कितने ओम का मान लिया, 0 से 100 के बीच में वैरी करता है, कोई रेजिस्टेंस है वेरिएबल है ये लो जी, इसके मान को हम चेंज कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद में कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, फॉर्मूले क्या अप्लाई करने हैं आपको सवाल के अंदर, सबसे पहले निकालनी पड़ेगी आई भी, क्या निकालनी पड़ेगी, और आई का एकमात्र फॉर्मूला है ओम के नियम से, क्या है भी, आई बराबर वी बटा में आर। हमारे पास आर कितने हैं, 2 होंगे, एक आर एस और एक, दोनों का रिलेशन सेल बैटरी में लोड रेजिस्टेंस और आंतरिक प्रतिरोध का संबंध कौन से क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। तो आई निकालने का फॉर्मूला होगा आपका आर एस प्लस में आर एल, हो जाएगा इतना, एक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फिर निकालनी पड़ेगी आपको पावर पी, पी बराबर होगा आई स्क्वेयर आर एल, पावर लोड की निकालनी है ना, मैक्सिमम लोड को ट्रांसफर कितनी पावर हो रही है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। दो सूत्रों का प्रयोग करना है, कुछ आंकड़े नियत रहेंगे, कुछ आंकड़े चेंज होंगे, क्या पता है कौन से आंकड़े नियत रहेंगे। एक तो सोर्स रेजिस्टेंस कभी भी चेंज, हर सवाल में आंकड़े लोड रेजिस्टेंस के चेंज होंगे, बाकी सब आंकड़े क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो थेवलिन थ्योरम की बात साबित करनी है तो आर एल बराबर आर एस ले लेते हैं पहले सवाल में, आर एल बराबर आर एस, आर एल कितना है, सॉरी आर एस कितना है, तो लोड रेजिस्टेंस भी कितना मान लो एक बार 25। तो हम मान के चलते हैं कि हमने जो मान सेट किया एक बार के लिए वो कितना कर दिया 25 ओम ठीक है। आई निकालो जल्दी करो, जल्दी कितनी आई, पक्की बात है सभी के तकलीफ है, किंग है तकलीफ, हाँ 7.5 ही है के ठीक होनी ठीक है। आई का निकाल लेते हैं फॉर्मूला भी, आई बराबर वी कितना है 100 बटा में आर एस प्लस में आर एस यानी कि 25 प्लस में 25, कितना आया 100 बटा 25 50 यानी कि 2 एम्पेयर। अब निकालनी है पी एल या पी निकालना है, पी बराबर आई स्क्वायर, आई कितना है अभी 2 की स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस भी कितना है 25, 2 दूनी 4, 25 हो गया कितने वाट 100 वाट, ये पी मैक्स है
इससे ज्यादा आउटपुट आपको कभी नहीं मिलेगी, ये कहता है थेल्विन थ्योरियम। इन आंकड़ों का प्रयोग करके जो 100 वाट हमारी पावर निकली है किस कंडीशन में निकली है, जब RL बराबर लिया किसके, RS के। अब थेल्विन थ्योरियम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरियम क्या कहता है कि इस कंडीशन में मिलने वाली पावर जो है ना वो सबसे ज्यादा होती है, और कोई भी फॉर्मूला कोई भी आंकड़ा यूज कर लो लोड रेजिस्टेंस का, आपको पावर कभी भी 100 से ज्यादा नहीं मिलेगी, कम ही मिलेगी। अब आप पर सवाल है, ठीक है, मैंने तो कितने मान के करवा दिया, आप कुछ मर्जी मान के करो, ये लो 75 मान के करो, ले करो जल्दी करो। हैं, लोड रेजिस्टेंस किसमें होगा, बस तो रेजिस्टेंस जिसमें उसी में करना पड़ेगा, इनको तो छेड़ना ही नहीं है तो फिक्स रहेंगे, लोड रेजिस्टेंस का मान ही चेंज होगा टेस्ट में, वो क्वेश्चन अलग था। क्वेश्चन अलग था, वो बोनस मिलेगा उसका, बोनस दिया है शायद उसका, हैं कौन दियो, नहीं देड़ो है मेरे ख्याल आंसर की में, क्वेश्चन ही गलत था वो, उसमें ये था कि धारा आउटपुट में पता नहीं ऐसा कुछ था क्या, जब धारा पूछा था, हाँ तो वो धारा की जगह शक्ति पावर आएगा, हाँ तब ये सही होगा, धारा का कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते अभी उस फॉर्मूले से, वो मेरी गलती थी। कितना मर्जी मानो, 75 मान लो एक बारी, मैंने कितना माना 25, आप कितना मानो 75, और ये पी निकालो कितना आ रहा है, 75 ही आ रहा है क्या, 100 आया, आप 100 से ज्यादा निकाल के दिखा दो, कुछ मर्जी मान लो लो आरएल। अब आपका जो मन करे ना आरएल की वैल्यू वो ले लो, ठीक है, बाकी ये तो नहीं बदलते, कभी 2 वोल्ट का सेल है 2 ही वोल्ट का रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तो 1 ओम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। लोड रेजिस्टेंस का कुछ मर्जी मान लो, 100 से ज्यादा वाटेज निकाल के दिखा दो, अगर निकाल देते हो तो फिर थ्योरियम फिर ठार लो लगा देना, थेल्विन फेल है, करो एक आधा तो करो, यहाँ मुंह करना देखो, कुछ मर्जी मानो जो आपका मन करे, इतनी छूट कौन देता है। अगर 100 वाट से ज्यादा पावर निकाल देते हो आप तो इसका मतलब थेल्विन का नियम फेल है, थार का नियम पास है। हाँ बोल बोल के दिमाग चला है तेरा, आज बाढ़ उतर आई है, हाँ कितना मर्जी करो, कितना मर्जी करो, 24 कर ले, 20 कर ले, तन छूट है, 10 कर ले, 2 ओम कर ले, 1 ओम कर ले, और बता जो इच्छा वो करो, जो इच्छा है वो कर ले, 0 नहीं ले सकते, शॉर्ट हो गया। कुछ मर्जी मानो, इतनी छूट कौन दिया था ना, बस इससे ज्यादा निकालना है, पी मैक्सिमम से भी ज्यादा निकाल दो, थेल्विन थ्योरियम को फेल कर दो। थेल्विन ने क्या कहा था, आरएल बराबर आरएस, ये मिलेगा पी मैक्स, इस पी मैक्स से ज्यादा पावर किसी और तरीके से निकाल के दिखा दो, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज करनी है, कुछ मर्जी ले लो, देखो थारो इच्छा करे, फुल छूट है, मन ध्यान है 50-25 आ मैं खेलूंगा 5 का पड़ाड़ा में, गुणा भाग सौ हो जाए थारा, आप खेला ही को नहीं, अब तो बोल रहा है न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा जान दे भैया, बाउंसर हो नीचे बैठ जा, कुछ मर्जी आए मेरे को बताओ मत, आप करके देखो, मुझे मत बताओ, आप करो, अगर तेरा 100 ज्यादा आ जाए फिर आप बात करांगा, अगर आपका इस फॉर्मूले से 100 वाट से ज्यादा आ जाए ना फिर बात करूंगा मैं आपसे, पहले नहीं, पहले तो थेल्विन को साबित करो, आप मुझे मत बताओ धारा बढ़ेगी घटेगी, वो करके देखो। हाँ मैं इंदर टेस्ट में नंबर कितना है तेरा, हैं चेक करो भी पड़ोस में, 277 आवे, बोल के क्या आंकड़ा लिया, कितनी ली जी, आपा नहीं तू बता खेल लियो, आपा छोड़, इसका कितना लिया मान आरएल, आरएल 5 ओम, ठीक है ओके ठीक है, अब देखते हैं आई निकालेंगे, 100/30 कितना आया आई, बोल मैं क्यों कर रखूं, तू बताओ मैं करूं, है वाह 10/3 तीन पॉइंट तीन तीन आ गया, ठीक है और बता, हाँ ला पी बराबर 3.33 इंटू 3.33 इंटू कितना माना था 5, तू तो भी ले सके तन तो छूट है, आप कुछ भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोड की निकालना है ना आपने, तो वो 25 तो आंतरिक प्रतिरोध है, उसको कैसे ले लोगे आप, अगर ते गर्जा के राम काट ले कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है जो इच्छा हो मन में वो पूरी करो, थ्योरियम ऐसे किताबों में नहीं छपे हैं, इतने सालों से ऐसे नहीं चल रहे हैं, जाहिर सी बात है इनको साबित
किया हुआ है, और एक बार नहीं पता नहीं कितनी बारी किया होगा, तब जाके बुक में आते हैं, तब जाके मशहूर होते हैं। कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है ये, बहुत लंबी प्रोसेस है, निकल के आए हैं अभी, समझ गए क्या? तो क्या समझे? ये तो सेल के लिए समझा रहा हूं, आगे आने वाले मशीनों में भी यही रहेगा, जनरेटर के अंदर भी यही है, अल्टरनेटर में भी यही रहेगा। आंतरिक प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध के मान के बराबर कर दो, आउटपुट पावर सबसे क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो ये है थेल्विन थ्योरियम, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरियम। कर लोगे याद? पक्की बात है। थोड़े से समझ के रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने सूत्र अभी तक मिटवाए नहीं है, ठीक है। अब जो टेस्ट होगा उसके अंदर सूत्र आपके होंगे नहीं, अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका वो सेलों से संबंधित ही होगा, अप्रोक्सीमेट लगभग सेल के प्रश्न उसमें दोबारा दूंगा, और फिर जो नेक्स्ट टेस्ट चलेंगे उसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ चुंबक ही चलेगी। क्या चलेगी? चुंबक। पीछे के कोई एक दो प्रश्न दे देंगे, और बाकी नए आगे आने वाले टॉपिक है सारे के सारे, आज के नए टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं उसी पे डिपेंडेबल है, ठीक है ना। और टॉपिक का नाम है आपका चुंबक व विद्युत चुंबकत्व, लगा लो हेडिंग। सेल को एक बार रिवाइज करना है क्या है? ठीक है, सेल किस सिद्धांत पे काम करने वाली युक्ति है? विद्युत रासायनिक, खाली रासायनिक नहीं, विद्युत रासायनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा था। ये डिवाइस काम करती है मुख्यतः दो घटकों के ऊपर, एक इलेक्ट्रोड चाहिए, एक चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड का जब अध्ययन किया पता लगा दो धातुएं छड़े होती है जिसको एनोड, और इलेक्ट्रोलाइट कोई भी विलयन हो सकता है, या तो वो कार्बनिक होना चाहिए या वो घड़ी, या तो वो अम्लीय होना चाहिए या वो क्षारीय, वो अकार्बनिक होना चाहिए ना कि वो कार्बनिक, ठीक है ना। यानी कि धारा प्रवाह के योग्य होना चाहिए, चालक होना चाहिए सीधे शब्दों में, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट तरह तरह के तैयार किए थे, फिर पता लगा सेल जिस सिद्धांत पे काम करता है वो नियम दिए थे किसने, कितने नियम थे? पहला नियम क्या कहता है? एम समानुपाती आईटी के, सेल का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा धारा उतने ही लंबे समय तक हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर दूसरा नियम क्या कहता है? एम समानुपाती डब्ल्यू, क्या कहता है? एम समानुपाती, वन टू थ्री छोड़ो, वो तो अलग बात थी, रिविजन यही हो एक रहे, रिविजन में सारी बात कौन बताई जाए, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए एकदम से, वो सूत्र आ जाना चाहिए बस। एम समानुपाती डब्ल्यू के एम जो है वो रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करता है, रासायनिक तुल्यांक पर जब एम निर्भर करता है, एम पर धारा निर्भर करती है, तो रासायनिक तुल्यांक पर ही धारा निर्भर करती है। ले दे के गोलमोड़ करके फैराडे ने अपनी दो बातें कह दी, कह दी आप एक सेल से ज्यादा धारा लेना चाहते हो तो या तो उसका द्रव्यमान बढ़ा दो, या ऐसे पदार्थ का चुनाव करो जिसका रासायनिक तुल्यांक बहुत ही क्या हो ज्यादा हो, या जिसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक बहुत ही क्या हो कम हो, तो ऐसे फॉर्मूले से उसने तैयार कर दिए। फिर हमने सेलों के बारे में पढ़ना शुरू किया, पता लगा धारा के रासायनिक प्रभाव के कुछ और उपयोग भी होते हैं सेल के अलावा, कितने थे? एक धातु पे दूसरी धातु की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रो प्रिंटिंग बोलते हैं, धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, कैपेसिटर का निर्माण, ये घर से पढ़ने के लिए कहा था याद हो तो, ठीक है। फिर मैंने कहा था सेल मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मैंने पढ़ाए। सेल कितने प्रकार के? एक प्राइमरी और एक प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ा अंतर है कि प्राइमरी जिंदगी में एक ही बारी काम में आएंगे, सेकेंडरी को बार बार काम में ला सकते हैं। फिर उसके बाद में अंतर बहुत निकल के आते हैं, ठीक है ना। कोई वजन में हल्का है, वजन में भारी है, कोई महंगा है, कोई सस्ता है, जो ज्यादा लंबे समय तक धारा देता है, कोई कम समय तक धारा देता है, किसी की वोल्टेज ज्यादा होती है, किसी की वोल्टेज कम होती है, ऐसे करके प्राइमरी पढ़ा सबसे पहले, वोल्टेज सेल पढ़ा। एनोड क्या था? जल्दी बोलो, एनोड, ठीक है, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, वोल्टेज, दोष, स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए, स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए जस्ते पर, ठीक है, ध्रुवा साधन को दूर करने के लिए MnO2 का चूर्ण प्रयुक्त किया। फिर हमने डैनियल पढ़ लिया, लैक्लांची पढ़ लिया, फिर आया शुष्क सेल, किसको सुधार के बनाया? एनोड किसका? कैथोड प्राइमरी में फिक्स है किसका? जस्ते का। वोल्टेज बढ़कर कितनी मिली? 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। वी ध्रुवक के रूप में कितनी चीजें थी? चार। मिश्रण क्या था? 10 10 10 10 10 2 1, क्या था? MnO2 और कार्बन और अमोनियम क्लोराइड और अंत में जिंक क्लोराइड, ये रेशो एक याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। शुष्क के बाद में छोटा सा सेल आया था मर्करी ऑक्साइड, या छोटा सा एक और था सिल्वर ऑक्साइड, बस तैयार हो गया सेल। लिथियम था वो हमने सेकेंडरी में अध्ययन कर लिया था, कोई बात नहीं। फिर आई सेकेंडरी सेलों में सबसे इंपॉर्टेंट सेल जिसके बारे में हमने सबसे ज्यादा पढ़ा, लेड एसिड की आविष्कार किसने किया? कास्टन प्लांटे सन 1859 से लेके आज तक उस सेल की संरचना में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, ठीक है ना। दो प्रकार की प्लेटें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट की संख्या एक कम और नेगेटिव की दो ज्यादा, अच्छा एक ज्यादा वह गए, ठीक है। ऐसे करके हमने सेल पढ़ लिया, प्लेटें बनाने के तरीके बताए थे, कितने तरीके की प्लेटें मौजूद है आज?
आंगलियां देखे ना बोलो, जो पढ़ाया है उस पर बात करो। बड़े आंगलियां गिनने ला जाते। कितने तरह की प्लेट है? एक कौन कौन सी? एक फारे प्लेटे और एक प्लांटे आज के टाइम में बननी बंद होगी। प्लेटे कौन सी बनती है? फारे। फारे प्लेटे दो प्रकार की, ग्री ट्राइप और ट्यूबलर, नलिकाओं के रूप में उस प्रकार से बना दी, ठीक है। उसके बाद में और पढ़ा तो सेल तैयार होने के बाद में इसको चार प्रक्रियाओं से गुजारा था। पहली प्रक्रिया, दूसरी, तीसरी, चौथी। प्लेटे सफेद रंग की कौन सी हो जाती है? किस में? कब? ऋणात्मक। कब? डिस्चार्ज में कि चार्ज में? हैं? तो स्लेटी फिर कब होती है? हल्की। अरे सर क्यों, ठीक है ना, ये तो चीज ना दोहराओगे नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मिंग के दौरान दोनों ही प्रकार की प्लेटों का पदार्थ क्या बन जाता है? राम बोल, मैं तेरा लपड़ मार दूंगा, ध्यान रखियो, कहीं तरह गलत बोलता ना। हाँ भी PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट में, ठीक है। चार्जिंग के बाद दोनों प्रकार की प्लेटें पॉजिटिव, PbO2 यानी कि लेड पर ऑक्साइड, नेगेटिव प्लेट Pb यानी कि कौन सा लेड? स्पंजी लेड। रंग में पॉजिटिव प्लेट भूरी क्या हो जाती है? हल्का भूरा नहीं होता, वो गहरा भूरा ही होता है, इसलिए चॉकलेटी भी साथ में लिखवाया था। और किसने मैसेज किया था मेरे को कि हल्को भूरो हुआ है? बता दे, मारो थोड़ी कोई गोली थोड़ी मारू मैं, नंबर है घंटी मार गया, अभी पता लगा इसका, लेकिन छोड़ो, ठीक है ना। तो पढ़ा करो एक बार थोड़ा सा, फिर बात करते हैं अपने। फिर नेगेटिव प्लेट सफेद रंग की होगी थी, फिर उसको डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज के बाद में अमल बना के पानी बना, डिस्चार्जिंग में अमल बना के चार्जिंग में अमल बना, एसिड प्लेटों ने कब बाहर निकाला? जब क्या किया था? चार्ज किया। जब डिस्चार्ज हुई तो एसिड वापस प्लेटों के अंदर चला गया, तो अपेक्षित घनत्व के मान में क्या आया? अंतर आया, ठीक है ना। जब चार्ज कर देते हैं अपेक्षित घनत्व, डिस्चार्ज करते हैं तो घट जाता है, और इसी से हमने चार्जिंग अवस्थाओं की जांच कर ली थी। फिर पता लगा इस सेल में बीमारियां ही बीमारियां कितनी? चार। वो बीमारी कौन सी है इसमें टर्मिनलों पर गंध सा आ जाता है? रट्टे मत मारो सीक्वेंस में, मैंने अलग पूछा है, बताया कुछ, लिखाया कुछ, पूछा कुछ और, टर्मिनलों पर गंदगी आना, ठीक है। प्लेटा कर्डी होगी, ठीक है, बंकी होगी, ओ ये हार्ड सल्फेशन बकलिंग, ठीक है ना, और कूल्डी बनगी, नीचे तली में कचरा इकट्ठा हो गया, ढेरी लगी, प्लेटें आंशिक शॉर्ट होगी। लाइलाज कौन कौन से है जिनका इलाज ही नहीं है? सेडिमेंटेशन, और बोलो भी जल्दी, बकलिंग, इन दोनों का कोई इलाज? कोरोजन का पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है, और एक रह गया कौन सा? हार्ड सल्फेशन, वो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे पास तो तरीका है, नाम क्या उसका? ट्रिकल चार्जिंग। ऐसे करते करते हम आगे निकिल आयरन सेल पढ़ लिया, फिर उसके बाद में निकिल कैडमियम सेल पढ़ लिया, उसके बाद में हमने लिथियम सेल का अध्ययन कर लिया, और ऐसे करते करते और आगे चले तो हमें खास बातें पता लगी, कोई हाइड्रोमीटर आया था, कोई अपेक्षित घनत्व, कोई घनत्व नाम की चीज पड़ी, कोई हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर के बारे में हमने जानकारी ली, बैटरी चार्जिंग के लिए कितने प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, सभी विधियों का हमने अध्ययन किया, ठीक है। पता लगा कि अवस्थाएं कितनी थी बैटरी चार्जिंग की, बैटरी चार्जिंग की अवस्थाएं भी देखी हमने कितनी थी, 5 थी। डेड कब हो जाती है? जब अपेक्षित घनत्व हो जाता है, कितना हो जाता है? 1100 से भी कम हो जाता है, और जब 1300 से ऊपर हो जाए तो इसका मतलब ठीक ठाक फुल चार्ज है, तो 1250 को और क्या लिख सकता हूं? 1.25 भी लिख सकते हैं, तो ये हमने पता लगा लिया था अभी। फिर ऐसे करते करते और भी 2-4-5 चीजें की, फिर जोड़ा सेलों को श्रेणी में और कौन से क्रम में? समांतर में, और जोड़ा मिश्रित क्रम में, और सेलों के समूह से निर्माण किया किसका? बैटरी का। जब हमारा उद्देश्य वोल्टेज बढ़ाना था, सेल कौन से क्रम में? जब हमारा उद्देश्य धारा बढ़ाना था, और जब हमारा उद्देश्य दोनों ही बढ़ाना था, मिश्रित क्रम में। फिर हमें पता लगा कि श्रेणी समांतर में जोड़ने के लिए एक और शर्त थी कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाहरी लोड प्रतिरोध से कम हो, तो सेलों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? जब सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर के रेजिस्टेंस से कम है, यानी कि हमारा RS जो है वो कम है किससे? RL से, तो कौन से क्रम में जोड़ेंगे? देखो हमें क्या है, थेल्विन थ्योरम के नियम का पालन करना है, हमें RS को इक्वल करना है किसके? RL के। हमने सेल बैटरी का निर्माण किया, कंडीशन ये लागू होगी कि सोर्स का तो, सेल का तो क्या है, कम रह गया, लोड का क्या है, ज्यादा रह गया। अब बराबर करने के लिए क्या करूं? लोड तो मैं छेड़ नहीं सकता, मैं छेड़ूंगा किसको? सेलों को। तो सेलों का प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए कौन से क्रम में जोड़ू? श्रेणी क्रम में। तो जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम है, बाहरी लोड प्रतिरोध का मान ज्यादा है, सेल कौन से क्रम में जुड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, ताकि अपनी वोल्टेज जोड़कर इसके अंदर से उसी मान की क्या प्रवाहित करवा सके? धारा। ज्यादा मान के प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित करने के लिए वोल्टेज भी क्या लगानी पड़ती है?
सेम श्रेणी वाले नियम है। श्रेणी परिपथ में मैंने दो दो लैंप जोड़ जोड़ के आपको कई प्रश्न करवाए थे, याद हो तो। एक 100 वाट का, एक 50 वाट का, दो लैंप जुड़े हैं कौन से क्रम में, इनमें से प्रतिरोध किसका ज्यादा है, 100 का कि 50 का, किसका ज्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा कौन करता था, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता था। ये भूल गया, अरे चढ़ गई सुन, ठीक है ना। दो रेजिस्टेंस लगा दें अपने परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में, एक लगा दूं मैं 50 का, एक लगा दूं 100 ओम का, वाटेज का नहीं किसका, ओम का, तो इनमें से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कौन करेगा, 100 वाला करेगा। तो जाहिर सी बात है ज्यादा प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस ज्यादा, में से धारा प्रवाहित करने के लिए वोल्टेज क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। वोल्टेज बढ़ाने के लिए मैं सेलों को कौन से क्रम में जोड़ू, चाहे तो वैसे समझ लो हर, चाहे इस हिसाब से समझ लो, ठीक है। अब यदि आरएस का मान ज्यादा हो और बाहरी लोड प्रतिरोध का मान क्या हो, कम हो, तो मुझे वोल्टेज तो नहीं बढ़ानी, लोड तो खराब हो जाएगा, तो मुझे उसकी लोड की रेजिस्टेंस वैल्यू के हिसाब से क्या इंक्रीज करनी पड़ेगी, धारा। तब मैं सेलों को कौन से क्रम में जोड़ूंगा, तब मैं समांतर में, जब दोनों ही बढ़ाना हो तो मैं मिश्रित क्रम में जोड़ दूंगा। फिर कुछ और छोटी मोटी सी बातें लिख के आज हम इस टॉपिक को फाइनल कर देते हैं। हाँ, सोर्स सेल अलग टॉपिक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, भी वास्ते अपन ओलियां ताएंगो वेट करना पड़ सी, विम्पल पढ़ाई जो कौन को, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट वीक अगला टॉपिक लगाओ, चुंबक व विद्युत चुंबक, तो मैग्नेट एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, हम चुंबक पढ़ेंगे शुरू से लेके अंत तक, फिर विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव देखेंगे, चुंबकीय प्रभाव, और आगे आने वाले जितने भी उपकरण है सारे के सारे किस सिद्धांत पर काम करते हैं, इसी चुंबकीय सिद्धांत पर काम करते हैं। फिर यहां से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी इक्विपमेंट में, यंत्रों में, और दो ही यंत्र पढ़ने हैं मुख्य रूप से, तो एक पढ़ना है मोटर और एक पढ़ना है जनरेटर। मोटर दो प्रकार की होती है, एक एसी और एक डीसी, जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक एसी और एक डीसी, थारी कर देसी ऐसी। हाँ, और ये टॉपिक चलेंगे कम से कम, मान के चलो नहीं करते 4 महीने और, तो लगातार अब 4 महीने तक सिर्फ क्या पढ़ेंगे, मोटर जनरेटर एसी डीसी, ठीक है ना। हाँ, यही पढ़ना है हमने। लिखो भी, शताब्दियों पूर्व खोजा गया, शताब्दी हेडिंग लगा ली के, चुंबक व विद्युत चुंबक तो इसमें लिखना है, शताब्दियों पूर्व, 5 दिनांक शताब्दी हुए, शताब्दियों पूर्व खोजा गया पत्थर का एक टुकड़ा, पांच ही दिन की हो गई शताब्दी है, 100 सालों की क्या होती है, शताब्दी होती है। चुंबक मिले को कितना टाइम हो गया, ये धरती पर कद आया वो पतो है, माने डेट ऑफ बर्थ है, हर जगह नोट है आधार कार्ड में, पता नहीं जगह देगा, ठीक है। लेकिन चुंबक धरती पर कब आई, इसका हमारे पास कोई प्रत्यक्ष लिखित प्रमाण नहीं है, तो लिखते हैं शताब्दियों पूर्व किसी को कोई एक पत्थर का क्या मिला था टुकड़ा, शताब्दियों पूर्व खोजा गया पत्थर का वह टुकड़ा जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण विद्यमान था, जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण विद्यमान था, चुंबक कहलाया या चुंबक कहलाता है। ठीक है, तो आज से बहुत साल पहले मिला था चुंबक भी, खेलते खेलते किसी को टुकड़ा मिल गया होगा ये, ठीक है। देखा कि और भी छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपके हुए हैं, और वो टुकड़े जो चिपके हुए थे उसके साथ, वो किसके टुकड़े थे, वो लोहे के। उस व्यक्ति को बड़ी खुशी होगी, ओ केड़ंगा बस ये दूर करे फेर करने लगा फिर चिपक खिलौनो। जिंदगी में जब आपने चुंबक से पहली बार मुलाकात की थी, किसको लागी होनो, चिड़ लागी होनी, क्यों, जिसके भी हाथ में आपने चुंबक देखी वो आपका कोई मित्र या कोई दोस्त होगा, अर्थे भी मांगी दीदी ने मन कौन दी, ठीक है ना। फिर पूछो कठू ले आयो तो मन बतायो, फिर भी एड्रेस को थे पीछो करे, फिर एक स्पीकर की थी ऐसी ऐसी करी, कोशिश तो बहुत की थी कि साबत निकाल लें उसको, लेकिन हम निकाल वहां से पता लगता है कि पूत के पैर पालना बचाने जाके जाके हो एक सी आई टी कर सी रा कहानी सुन सी की हुई, और वो मैं हूं। अरे यहाँ चीज पहले लिखी जा चुकी, किस किस ने पंगे नहीं किए, पहले तो वो हाथ खड़े कर, ठीक है। छोरिया भी यही पंगा कौन करे ना, गुड्डा गुड़िया और बाहू फुर्सत कौन ही, और बताओ अपवाद होते हैं एक आधे। हाँ भी और कोई, क्या चुंबक ऐसे ही दिखी थी क्या आपको अपनी जिंदगी की पहली, ठीक है, ये मिली होनी फिर, या तो स्पीकर नहीं अगर इनू मिनू करे तो चुंबक भाई गायब
ओ करे वनो ठीक है ना वन कौन दी कोई ना दे तरीका घड़ाई है मैंने इन्हें नो बुलाया और गा गया मैं सुन ली नहीं नहीं फिर जाके आपका एक्सपेरिमेंट करके जीता आपके फिर उसको छोड़ दिया। तो ये ऐसे ही मिली थी चुंबक सभी को, सभी का जीवन ऐसे ही बीता है ठीक है ना। अब उस चुंबक से परिचित तो थे हम, फिर बाद में और भी काफी सारी बातें पता लगी। क्लास सिक्स छठी क्लास रेडी है अच्छी तरह, उसके अंदर मेरे ख्याल से चुंबक पढ़ाई गई थी आपको। कोई नहीं आजकल छोड़ो आज बोलो नहीं हुए तुम ठीक है ना। सातवीं आठ कभी ना कभी जिस भी दौर तक आप गई थी, दसवीं की हुई है क्या अब थे मुकर कौन सा हो क्यों दसवीं के बाद ही क्या होती है। हाँ तो आई टी कर रही थे मैं दसवीं तो क्लियर है। तो उस दसवीं के इसमें पहले पहले आपने चुंबक पढ़ ली थी कि धाके से बांध गई थी चुंबक को लटका दे तो मर जाती है, फिर वो ठहर जाती है किस दो विशेष दिशाओं में ठीक है ना। तो वो दिशा सूचक का भी काम करती थी, तो ऐसे करके काफी सारी। हाँ फिर एक चुंबक यहाँ रखी एक यहाँ रखी है हमारे धक्को आप आ जाइए है कौन सा बल प्रतिकर्षण, फिर कई बार ऐसे रखा यहाँ करके बाद चिप्पी आई आंगड़ी बिचारा आ गई कौन सा बल। तो चुंबक के कुछ ध्रुवों में आकर्षण और कुछ में प्रतिकर्षण, यानी कि ये जो चीजें थी आकर्षण प्रतिकर्षण धागे से बांध देना दिशा दिखाना ये थे उसके गुण। क्या थे चुंबक के गुण थे, उन गुणों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे ज्यादा नहीं क्योंकि आपको पता है नॉर्मल गुण है, विशेष गुणों के बारे में आगे बात करेंगे। लिखो आगे लिखो चुंबक तो एक बल क्षेत्र होता है नई लाइन से, चुंबक तो मैग्नेटिज्म एक बल क्षेत्र होता है, चुंबक तो एक बल क्षेत्र होता है जो कुछ पदार्थों पर काम करता है अन्यों पर नहीं। जो कुछ पदार्थों पर कार्य करता है अन्य पर नहीं। चुंबक अपने बल क्षेत्र के कारण लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है या आकर्षित करता है। चुंबक अपने इसी बल क्षेत्र के कारण लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है ठीक है। चुंबकत्व और चुंबक दो अलग अलग शब्द है। चुंबक एक भौतिक पदार्थ है, चुंबक एक भौतिक पदार्थ है, एक टुकड़ा है धातु का हो सकता है या खुद चुंबक भी हो सकता है, इसको बनाया जा सकता है हमने तरीके सीख लिए हैं। अब एक भौतिक टुकड़ा है चुंबक, उसके पास एक गुण है, उस गुण का नाम क्या है चुंबकत्व। जैसे प्रतिरोध एक क्या है गुण, प्रतिरोध एक क्या है, किसके पास होता है ये गुण, जिसके पास भी ये गुण होता है उस युक्ति को हम क्या बोलते हैं प्रतिरोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोधक अपने पास कौन सा गुण रखता है प्रतिरोध का। तो चुंबक अपने पास कौन सा गुण रखती है चुंबकत्व का। मैग्नेट के पास होता है मैग्नेटिज्म, क्या होता है। अब ये मैग्नेटिज्म है क्या, एक फोर्सिंग एरिया है, एक बल क्षेत्र है, ये रही चुंबक मान लेते हैं, इसके चारों ओर एक एरिया बनेगा, उस एरिया को चुंबकीय बल क्षेत्र बोलते हैं। इस बल क्षेत्र के अंदर यदि कोई लोहे की वस्तु ले आओगे तो वो चुंबक की ओर क्या हो जाएगी आकर्षित। यदि कोई लोहे की वस्तु मैं यहां रख दूं क्या वो उसकी ओर आकर्षित होगी क्या है, दूरी देखो कितनी ज्यादा है, होएगी कि नहीं होएगी, चलो देखते हैं। ये वस्तु पड़ी है यहाँ पड़ी है, अब बताओ आकर्षित होएगी क्या, ठीक है। अब इसको उठा के मैं इसके एरिया में ले आता हूं और इसका एरिया ये रहा, ये इसका क्या है चारों ओर का एरिया है, इससे बार बार तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसको उठाकर कहाँ रखेंगे इस बल क्षेत्र में तो ये चुंबक की ओर क्या हो जाएगी आकर्षित हो जाएगी। तो इस प्रकार से चुंबक अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती है निर्माण करती है। धीरे धीरे ये बातें हमें पता लगने लग गई थी। लिखो आगे, यदि एक चुंबक को घूर्णन की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, यदि एक चुंबक को घूर्णन की घूमने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो ये दो विशेष दिशाओं कौन सी दिशा, उत्तर व दक्षिण, नॉर्थ व साउथ के सापेक्ष स्थिर हो जाती है। यदि एक चुंबक को घूर्णन की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो ये दो विशेष दिशा अर्थात उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ के सापेक्ष क्या हो जाती है स्थिर हो जाती है।
क्यों हो जाती है ये भी पता लगाएंगे। रीजन क्या है कि उत्तर और दक्षिण में ठहरती है, सब पता लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, चुंबक ली, एक स्टैंड से बांध दिया और घूमने के लिए क्या दी कि अपने आप ही घूम ले तू। ठीक है, जैसे ही अपने आप घुमा के हाथ से छोड़ा, एक बार उसको अपने मोशन दे दिया अपनों ने, ठीक है, फिर अपने आप ही नेचुरली ये रुका और रुकने की पोजीशन ये थी, तो हमने सोचा होगा रुक गया होगा। ठीक है, जैसे इस पंखे को मैं हाथ से घुमाऊं या इसको घुमा के ऑफ कर दूं, तो क्या ताड़ी हमेशा पे एक पे निशान लगा देता हूं मैं, मान लेते एक ताड़ी पे तीर का निशान लगा दिया, सेम वही दीवार पे छत पे भी मैंने क्या लगा दिया एक निशान। अब इसको ऑन करके ऑफ किया, क्या हर बार ये ताड़ी उसी निशान की सीध में आएगी, क्या नहीं आएगी ना, घूमने के ये भी स्वतंत्र था। लेकिन चुंबक को जब इस स्वतंत्रता को प्रदान किया तो उसने उसका एक सिरा तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर और एक सिरा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ठहरा। फिर इसको पकड़ के यूं घुमाया, थोड़ी देर बाद में जब ये अपने आप थे को रोक नहीं, अपने आप जब ये रुकी तो वापस नॉर्थ और साउथ की पोजीशन में, अर्थात इसकी पोजीशन हमेशा एक जैसी थी। इसको बोलते हैं चुंबक का दिशात्मक गुण। कौन सा गुण? दिशात्मक, के चुंबक से दिशा का पता लगाया जा सकता है। और जब चुंबक से दिशा का पता जब पहली बार लगा किसी को, ठीक है, तो बहुत सारी उम्मीदें जगी और कहते हैं नई दुनिया की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, ये चुंबक ने, किन है, आवास कोटिगामा, एक अलग चीज ही इस चुंबक को, यदि ये चुंबक नहीं होती तो क्या आवास कोटिगामा अपने घर गामा पहुंच सकता, बेटा कठा को अपन के ध्यान, ठीक है ना, क्या वो पहुंच पाता क्या, नहीं, उसने नक्शे बनाए, क्या बनाए, वास्कोटिगामा की कोनी हो लुगाई रूस के घरों निकल गयो, ठीक है ना, चुंबक चमक थोड़ी बहुत थी उसके पास, जहाज लेके मैं कोनिया उठो और जहाज ले रहे उसको ले गई जगह देखा गोता खांतो खांतो, फिर चालते रहे नक्शे बनाते रहे या मेरी खानी है मियाँ, ठीक है ना, ऐसे कर करके उसने सारे नक्शे बना लिए, लास्ट में घूम के 5-6 साल बाद वापस अपने देश पहुंच गया, भटू भटूंगो लूट लाट के लिए, ठीक है ना, फिर दिखाया कि ऐसे ऐसे करके वहां तो काले लोग रहते हैं, आप सारा गोरा चिट्टा, ठीक है, रेड इंडियन, याद है नाम नूम दिए उसने कई, ठीक है ना, भारत की खोज रही है वो अड़ंग बड़ंग, बहुत सारी चीजें और भी हुई थी, ये सब कुछ किसकी बदौलत संभव हुआ था, चुंबक, यदि ये नहीं होता तो हमें दिशा ही नहीं पता। अब दिशा भ्रम हुआ है क्या, पहले तो आपको ये बताओ, दिशा भ्रम हुआ है क्या, जानो कि नहीं और उड़ कि नहीं गया, फिर अल अल ओ कि ना आ गया, चुंदी चढ़ गया, ओ भी यहाँ शब्द ज्यादा सही है, चुंद चढ़ी है कि नहीं थारे, हैं, धुंध आएगी अभी थोड़े दिनों में, क्या आएगी, भयंकर धुंध आ रही है, ठीक है, और आपको कहीं जाना है, आसपास कोई इमारत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्या आप सीधा डायरेक्ट एकदम यहाँ सीधा सीधा चाल के भटई पहुंच जाओगे, कौन पहुंच, चलो दिशा भ्रम नहीं समझे आप लोग, दिशा भ्रम का और उदाहरण देता हूँ, आप जिस भी स्थान से आए थे सूरतगढ़ में पहली बार जब पहुंचे यहां पे और सुबह जब सूरज को उगते हुए देखा, क्या उसकी दिशा वही थी जो आपके शहर में उगता था, देखो ये तो भाई, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग ने एब्सेक्ट करने में कितने दिन लगा दिए, कई दिन लग गए ना, क्यों थे उगता था रहा सूरज उगतो इन दिन के अठानते सूरज यार इनोगे वो क्यों होता है कि नहीं होता है ना, दिमाग के अंदर जो इमेज जो छवियां बनी हुई थी वो एकदम से बिगड़ गई, क्यों आपका स्थान जगह चेंज हो गया, आपका घुमाव रोटेशन क्या हो गया चेंज, आपके घर का मुंह किस तरफ था, यहाँ है जिन कमरों में रह रहे उनका मुंह और ही कहीं तरफ था, सूरज अपनी जगह से निकल रहा है लेकिन आपके दिमाग को भ्रम हो गया कि भाई सूरज की दिशा क्या होगी, अर्थ कई वह हो जाएगा नहीं, वो वह हो गया था ना, इतना बड़ा वह ना पड़ेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे दिमाग ने एडजस्ट कर लिया। अब दिशा भ्रम होने का सबसे बड़ा कारण हमें यहाँ क्यों नहीं होता, रीजन क्या है, आसपास बड़ी बड़ी क्या है इमारतें हैं, बिल्डिंग है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और छवि दिमाग ने इमेज बना रखी है अभी, ठीक है, कभी समंदर के पास गए हो क्या, कभी जाए होते, समुद्र के बीच में ना तो कोई पेड़ होता है ना ही कोई पौधा होता है, ठीक है, और भरी दोपहर के अंदर जब सूरज बिल्कुल कहाँ होता है, सिर पर, और बीटन थर आंखा भैया हाथ मार गई है करके थान छोड़ देनी, फिर बता उत्तर किन है, पूर्व किन है, पश्चिम कहाँ है, तो आपको पता नहीं चल पाएगा, तो दिशाएं पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। चुंबक से बना एक यंत्र जिसको बोलते हैं कंपस, क्या बोलते हैं, उसने दिशा सूचक यंत्र का नाम दिया गया, और जब इस पत्थर से जो लोहे को खींचता था कंपस बनाया गया तो उसको एक और नाम मिला लोडस्टोन, क्या नाम मिला, दिशा बताने वाला पत्थर, ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये सब शायद आप परिचित हो इन चीजों से, ठीक है ना, तो इसमें दिशात्मक गुण भी था, इसमें लोहे को अपनी ओर खींचने का भी क्या था गुण था, इसके अलावा और बहुत सारे गुण धीरे धीरे हमें पता लग गए, लिखो आगे लिखो चुंबक के दो समान ध्रुवों को निकट लाने पर, चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच, शॉर्ट में लिखो चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच कौन सा बल, प्रतिकर्षण के आकर्षण, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण व असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न होता है,
समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण व असमान ध्रुवों में कौन सा बल आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ये सब चुंबक की क्या बता रहा हूं, गुण बता रहा हूं। लिखो चुंबक अपने आसपास की, नई लाइन से चुंबक अपने आसपास के चुंबकीय पदार्थों में भी चुंबक तो उत्पन्न कर देता है। चुंबक अपने आसपास के चुंबकीय पदार्थों में भी क्या उत्पन्न कर देता है, भी चुंबक तो उत्पन्न कर देता है। ये था वो पत्थर का टुकड़ा। हाँ, वो इसागी है, सेल्फी ली इसागी, मेरी खिचड़ी है फोटो, ठीक है ना। इस प्रकार से नजर आएगा आपको, भारत में मिलता है। कहाँ मैं क्यों कहाँ हो गए गेठा, ठीक है, ठीक है ना। भारत के अंदर भी, साउथ के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर जाओगे, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उस तरफ भी ये टुकड़े हैं, लेकिन अब तो क्या लोग जनसंख्या बढ़ गई है, वो ले लुआ गया, ठीक है ना। इस प्रकार का नजर आता था, ये कहलाया था प्राकृतिक चुंबक। क्या कहलाता था, कमजोर था, टेढ़ा मेढ़ा था, ज्यादा पावरफुल नहीं था, ठीक है। फिर हमने दिमाग लगा लगा के कौन से चुंबक बना लिए, कृत्रिम। एक होते हैं नेचुरल, हमने बनाए आर्टिफिशियल, और नेचुरल चीजों से आर्टिफिशियल चीजें बहुत ज्यादा सॉलिड हो सकती है, मजबूत हो सकती है भी। प्राकृतिक ने जो चीजें बनाई है, हमने उसे पंगे ले लेके छेड़खानी करके उनमें परिवर्तन करके ताकतवर चीजों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, और तरह तरह की क्या बना ली, मशीनें बना ली। वो आगे पढ़ेंगे भी। तो ये था आपका लोडस्टोन, दिशा बताने वाला पत्थर, या दुनिया का कह सकते हो वो चुंबक जिससे दुनिया परिचित हुई थी। इस प्रकार से इसके चारों तरफ ये चिपकी हुई चीजें कौन है, लोहा है। इसको अलग करेंगे, फिर चिपक गया। पहला एक आदमी ने मिले, बड़ा आपकी लुगाई दिखाए, वो देखो क्यों ना रहे, बड़ लुगाई पड़ोसियों ने बताया, पड़ोसियों कर करके बात मारते हैं पहुंच गई, ठीक है। हाँ, ऐसे मान लो आप लोग। लिखो नेक्स्ट, लिखो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक प्राकृतिक, नंबर दो कृत्रिम। नंबर एक है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक कृत्रिम समझते हो क्या, है पक्की बात है। नदी और नहर में से कौन प्राकृतिक है, हाँ दोबारा बोलिए, क्यों बोलो है, फाज कर ले पावड़ा लाग रहे कुछ रहे। नदी और नहर में से कौन प्राकृतिक है, कौन प्राकृतिक है। लेकिन इससे पहले जब प्रश्न पूछा गया था, कईयों ने उत्तर नहर दिया था, क्योंकि सोचने के लिए थोड़ा सा क्या चाहिए समय, है कितनी देर, 3 सेकंड बहुत है, रुकिया को नहीं, ठीक है। कृत्रिम है नहर, वो हमने बनाई है ईंटों चेप के, भगवान को बनाई नहीं ईंटा चेप चेप के, रास्ता डायरेक्शन हमने दी है, जबकि नदी अपना रास्ता खुद बनाती है ना, हम नदियों का निर्माण नहीं कर सकते। पेड़ पौधे प्राकृतिक है कृत्रिम है, ये कहां से उगे, मैं अथेड़िया में सरसों उगाई के फिर, ठीक है ना, ये प्राकृतिक है। जमीन में गिरोगे बीज अपने आप ही क्या होगा, निकलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, अब वही सरसों का बीज सिर में गिर लो 3 महीना बाद में मोटा हो गया, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो भूमि चाहिए, तो प्राकृतिक चीजें हैं। हम प्राकृतिक है कि कृत्रिम है, हम प्राकृतिक है, हमें लैब में प्रयोगशालाओं में प्रश्न लिया मना डे मन है, चोरो चाहिए गोरस चाहिए चोरी चाहिए छोटी चोरी चाहिए यहाँ करके वो तैयार किया गया, नहीं जी, तो हम प्राकृतिक है, नेचुरल है, ध्यान रखना, ठीक है। हमें लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, जिस स्टूलों पर बैठे हो, ये पंखा ट्यूबलाइट सूरज चिड़ियूड कागलोड खेलो, मैं ध्यान रखे हो उड़ान आदि उड़ी आती, तो ये चीज है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरह की अवस्थाएं हैं, इंसानों ने प्राकृति से ही प्रेरणा ली है और कृत्रिम चीजों का क्या किया, निर्माण किया, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया चीजों को। लिखो प्राकृतिक चुंबक बेडोल, प्राकृतिक चुंबक बेडोल, मियां थोड़ा डोल है नहीं बेडोल मियां, प्राकृतिक चुंबक बेडोल निम्न क्षमता वाले होते हैं, प्राकृतिक चुंबक बेडोल व निम्न क्षमता वाले या निम्न शक्ति वाले होते हैं, सामान्यतः इनका कोई उपयोग नहीं होता, सामान्यतः इनका कोई उपयोग नहीं होता। इन्हें लोडस्टोन, इन्हें एक नाम दिया गया है लोडस्टोन, दिशा बताने वाला पत्थर,
है कौन सा स्टोन? लोड स्टोन भी कहा जाता था या है, दिशा बताने वाला पत्थर भी कहते हैं, लोड स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक काम दूंगा, ठीक है, अब पढ़ेंगे कृत्रिम चुंबक। ठीक है, और कृत्रिम चुंबक कैसे बनती है ये सब विधियां आपने घर से पढ़ के आनी है, उसी से प्रश्न तैयार करने हैं आज के जो भी बनेंगे आपके। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक सभी ने देखी है, जो स्पीकर से निकली हुई चुंबक वो कौन सी थी? कृत्रिम थी, प्राकृतिक इस तरह की एकदम राउंड शेप में हमें नहीं देती, वो तो बांकी टेडी दी, हमने अपने तरीके से बना लिया अभी। अब उसके तरीके कितने हैं चुंबक बनाने के? तो तरीके आपके किताबों में तीन या चार तरीके के तरीके बता रखे हैं। ठीक है, वैसे तो दो ही तरीके हैं जो कॉमनली काम में आते हैं, एक होती है स्पर्श यानी कि टच मेथड, स्पर्श विधि। कौन सी विधि? कि हम प्राकृतिक चुंबक के पास में कोई लोहे का टुकड़ा लेके जाएंगे तो वो लोहे का टुकड़ा थोड़ी देर बाद में क्या बन जाएगा? चुंबक टच करवाने से। एक तो होती है स्पर्श विधियां। ठीक है, स्पर्श विधियों को जब पढ़ोगे तो पता लगेगा एकल स्पर्श विधि, फिर पढ़ोगे कितनी, दोहरी स्पर्श विधि, फिर आएगी एक विभाजित स्पर्श विधि, ऐसे करके तीन तरह की आपकी कौन सी विधियां पढ़नी है? स्पर्श विधियां पढ़नी है। स्पर्श विधियों में कुछ नहीं करना आपने, एक बैग कुछ भी नहीं किया हुआ उसके अंदर, सिर्फ क्या लिया, एक धातु का टुकड़ा लिया, और धातु भी कौन सी है? लोहा है। फिर एक लिया आपकी मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट, इसमें एक तरफ एन और एक तरफ क्या है, एस है। इस परमानेंट मैग्नेट को पकड़ा, ठीक है, इस प्रकार से, और इस लोहे के टुकड़े के साथ साथ इस प्रकार से इसको टच करते गई, इसके ऊपर रगड़ते गई। ये लो जी, ये कौन सी विधि है? स्पर्श विधि है। जैसे स्पर्श करोगे थोड़ी देर बाद में इस लोहे के टुकड़े में भी ध्रुवता पैदा होने लगेगी, इसमें भी एक जगह पर एन और एक जगह क्या बन जाएगा? एस बन जाएगा, अर्थात ये क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। ये चुंबक का गुण था कि चुंबक अपने गुण दूसरों को दे सकती है। ठीक है, जिस प्रकार मैं अपने गुण आप में प्रेरित कर रहा हूं, ठीक है ना, तो वही सेम चुंबक भी लोहे में अपने गुण प्रेरित कर सकती है। इस गुण को भी आगे पढ़ेंगे अपने, इस प्रकार से बन गया। लेकिन स्पर्श विधि से तैयार हुए तुम में चुंबक जो है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते। आपने वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आलपिन वाली डब्बी देखी होगी, तो आपने काम ही क्यों नहीं, वो एक आलपिन काटना तो उसके साथ में तीन चार एक लड़ी सी पूरी की पूरी आ जाती है कि नहीं आती? रीजन क्या था? ये चुंबक के गुण थे, चुंबक के पास में रहने से वो आलपिन जो किसकी बनी हुई है? लोहे की। इतने लंबे समय टच में रहने के बाद में वो खुद ब खुद क्या बन गई? चुंबक बन गई। तो ये तरीका था। उसके बाद में आती है वैद्युतिक विधि। कौन सी? वैद्युतिक विधि में क्या करते हैं कि एक नरम लोहे की छड़ लेते हैं, उसके ऊपर एक क्या लपेट देते हैं? कुंडली। कुंडली में धारा देते हैं। कौन सी? डीसी। कौन सी धारा? डीसी धारा देते हैं। फिर उस नरम लोहे की छड़ के ऊपर एक लोहे का टुकड़ा रख देते हैं। एक छड़ ली, छड़ के ऊपर क्या लपेटी? कुंडली। कुंडली को सप्लाई दी कौन सी? और इसके ऊपर या इसके पास में एक लोहे का क्या रख दिया? इस प्रकार से इसके ऊपर एक लोहे का टुकड़ा रख दिया। थोड़ी देर बाद में ये लोहे का टुकड़ा क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। इसमें भी एक और एन और एक और क्या बनता है? एस बनता है। ये लो जी, इस विधि से तैयार हुए चुंबक जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, अलग अलग आकारों में बनाए जा सकते हैं, और इन दो विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आपने घर जाके इन विधियों का क्या करना है? अभी अध्ययन करना है। एक तो पढ़नी है स्पर्श विधियां जो कितने प्रकार की आएंगी, तीन प्रकार की, फिर एक वैद्युतिक विधि आएगी, और एक विधि आएगी प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरण, इंडक्शन द्वारा। इन विधियों के बारे में पढ़ना, लिख लो कि चुंबक बनाने की विधियां पढ़नी है, चुंबक बनाने की विधियों का अध्ययन करना है। ठीक है, किताबें तो है ना सबके पास? ठीक है, कार्यशाला गणना विज्ञान वाली आ गई क्या? ठीक है, इसको पढ़ते रहना साथ साथ, उसमें भी चुंबक का टॉपिक छोटे से कम शब्दों में बहुत शानदार चीजें दे रखी है उस किताब के अंदर भी चुंबक के बारे में। ठीक है ना, लिखो नेक्स्ट भी, कृत्रिम चुंबक है। विभिन्न आकारों में निर्मित की जाती है, कृत्रिम चुंबकें विभिन्न आकारों में निर्मित की जाती है, ये अधिक शक्तिशाली होती है, ये अधिक शक्तिशाली होती है, ये अधिक शक्तिशाली होती है। किससे, किसकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है? प्राकृतिक की, ध्यान रखना, ये लिखवाना भूल गया लेकिन एडजस्ट कर लो, लिखो आगे। ये दो प्रकार की होती है कृत्रिम चुंबक, दो प्रकार की होती है। नंबर एक, स्थाई
और नंबर दो अस्थाई। हाँ जी आ जाओ, कौन हो? एक अस्थाई, दूसरी है अस्थाई। स्थाई मतलब परमानेंट मैग्नेट, और अस्थाई मतलब टेम्परेरी या आर्टिफिशियल में इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ जी बोलो, किस चीज की एएलपी करनी है? सुबह 9 बजे बैच होता है जी। हाँ जी ठीक है, आईटी की हुई है क्या? ठीक है, आईटी की है तो सुबह 7 बजे है, वैसे थ्योरी का भी है और 9 बजे से जो नॉन टेक्निकल है उसका भी है। ठीक है, सुबह आ जाना, सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो दो प्रकार की अभी कृत्रिम चुंबकें, एक होती है स्थाई और एक होती है अस्थाई। यहाँ पे नजर आ रही है ये चुंबकें सारी की सारी कौन सी है? स्थाई है क्या अस्थाई है? इनको यदि बना दिया जाए, क्या उनके गुण हमेशा बने रहते हैं या खत्म हो जाते हैं? मशीन से बाहर निकालते खत्म, मशीन के अंदर है तो चुंबक बनी रहेगी, बाहर निकालते खत्म हो जाती है। आपने जिन चुंबकों से खेला वो चुंबक कौन से थे? स्थाई थे। उनमें चुंबकत्व के गुण जो है वो लंबे समय तक मौजूद है, आज भी मौजूद है यदि वो चुंबक आपने संभाल के रखी हो तो। ठीक है, समय के साथ साथ हो सकता है उनके मान में क्या आ गई होगी, कमी आ गई होगी। जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे चुंबक भी क्या होती है, हाँ बूढ़ी को नहीं वहनी। ठीक है, उनकी शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये शब्द क्या है, जीवित चीजों के लिए लागू होती है, भौतिक चीजों पर इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं अच्छा लगते हैं, लेकिन ठीक है एक आइडिया लग जाता है। ये कौन सी है? बार बार मतलब छड़। ये आप में कौन सी देखी है इनमें से, कौन सी थी? बस धाना है, दिक्कत क्यों आ रही है? आ रही है पतली थी, धार दी बारेंगे थोड़ी, हाँ जड्डी है। देखो ये क्या है, गधा का पैर,